मेरा नाम भारती। मेरा नाम हनुमान प्रसाद है। मेरा नाम लक्ष्मण बागड़ी राजपूत है। मेरा नाम बदकावरी है। मैं सिंध पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। सिंध हैदराबाद से आए। मैं सिंध पाकिस्तान से आया हूँ, हैदराबाद से। मेरे मियाँ दो तीन बच्चे हम आए हैं। किस वजह से आए, कोई दुख है तभी आए। बहुत हमारे इधर परेशानी है, बहुत माँ बाप को भी परेशानी है, बहुत हमारे अच्छा दिन नहीं निकला इधर कभी भी। इस वजह से हम भाग के आए, माँ बाप को भी छोड़ दिया, सब परिवार को भी छोड़ दिया, सब मुल्क को भी हमने छोड़ दिया। इस वजह से बच्चे कोई पढ़ के कोई सधर जाए, बच्चे कोई जिंदगी अच्छी मिल जाए, इस वजह से हम दस्तान में आए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हम उसकी अर्थी लेके हमारा सिंध का हैदराबाद में सिंध दरिया पे हमारा शमशान घाट है जो सदियों पुराना है, वहाँ पे हम जलाने के लिए लेके गए तो बीच रास्ते में पत्थर मारे गए बोले, और उसके बाद भी हम वहाँ पे ले गए, जाके उसको लेटाया वहाँ पे लकड़ियों के ऊपर, लकड़ियाँ रखी और उसमें तीन चार बंदे आए, उन्होंने लात मारी और वो लकड़ियाँ फेंक दी। फेंकने बाद बोला कि इसको आप दफना दो या इधर को कहीं भी फेंक दो, इसको यहाँ पर नहीं जला और यहाँ पर हमारे को बदबू आती है। इस तरीके से फिर वहाँ पे हम लेके प्रेस क्लब हैदराबाद गए, वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हमने मुजाहरा किया। उसके बाद लतीआबाद, जो हैदराबाद लतीआबाद शहर है, उसका एसएसपी आया, उन्होंने 2 मोबाइलें भेजी और जाके मेरा अबू का अंतिम संस्कार किया। और 3 दिन के बाद उसमें 3 बंदे पकड़े गए उस टाइम पर, और 3 दिन के बाद हम वहाँ पर हड्डी लेने गए तो वही जो 3 बंदे पकड़े थे वो 3 दिन के बाद वही बंदे घूम रहे हैं। इधर ये हमारे पास सलूट हुआ था तो क्यों, हमारी इधर पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, एक तो पढ़ाई भी नहीं है, कोई घर वाला कमाने जाता है तो इधर ठेला बेचने जाता है तो बोलते हैं 1000-2000 का भी बेच देते हैं तो ये पैसे छीन लेते हैं, कोई हथियार दिखा के। इधर हम बच्चे पाल नहीं सकते थे, पढ़ाई की हमारे के पास तो पढ़ाई भी नहीं थी। सात बच्चा मेरा, 5 बच्चे को मेरे वीज़ा मिल गए। एक बच्चा 3 दिन का जन्म लिया था, उसी टाइम पे इसको वीज़ा नहीं मिली, वीज़ा नहीं मिली, मैं बॉर्डर तक इसको ले कर आई, वीज़ा नहीं मिली इसको, मैं बॉर्डर तक ले आई, गाड़ी स्टेशन तक ले आई। इसने बोला, ये मुसलमान ने बोला ये बॉर्डर पार नहीं जा सकता, तो क्यों, तो इसकी वीज़ा नहीं है, इसका पासपोर्ट नहीं है, मेरी गोद से छीन के इसको दे दिया। आज इसकी खबर मेरे क्यों आई है, अस्पताल में पड़ा है, बहुत मेरे को दुख हुआ। आज इसकी खबर आई है तो अस्पताल में पड़ा है, खूनों की बोतलें लग रही है, क्या करें, बस मेरे से बातें नहीं हो रही है। सब छोड़ के अकेले आए, 2 बच्चे लेके, किस वजह से, पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा तभी तो आए माँ बाप छोड़ के। कोई सरकार ना कोई दरबार ना कोई अदालत, इसमें कुछ भी नहीं, सरकार हमारी सुनती नहीं है, ना पुलिस ना दरबार ना सरकार हमारी कोई बात सुनते नहीं है हिंदू लोग की। मेरी बहन को चाचे की बेटी को ले गया, 2 साल की अभी, 2 साल हुए इसके लेने के लिए ले गए हैं ये दुराजी कराची में, इसका मुँह भी अभी तक नहीं दिखाया।
अभी अदालत में भी लेके आए, तभी भी अदालत किस बात का, अदालत ऐसा है तो हमारों को दे दो, हमारी हमारों के हिंदू लोग को नहीं दिया, मुसलमान इसको ले गए। इसका 3 बच्चा था, सुनारी इसका नाम था। Conversion in Pakistan is too much. They are right. So if any people have this problem, so they will not come back. But now we are going to pass. Now we are going to pass a law to stop the forced conversion. कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा है, उसको कोई problem है, वो मुझसे contact करे, तो यहाँ पे उसका फौरन मसला हल होगा क्योंकि शरीफ की हुकूमत आ गई है, number one. नंबर सेकंड के अगर वहाँ पे कोई बंदा चला गया है जो अभी भी वापस आना चाह रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाए, उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे कांटेक्ट करें। वहाँ से 2 महीने पहले हम यहाँ पे आए हैं, वहाँ हमें बहुत तकलीफ़ें हैं, यानी कि हिंदुओं के लिए पाकिस्तान एक नरक बन चुका है। वहाँ की कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो हमें रात दिन सताती हैं। यहाँ पे जैसे विराट कोहली ने 175 रन बनाए, हमारी 3 लड़कियों को उठाया गया, ऐसे बहुत से मसले हमको वहाँ तंग करते हैं। कट्टरपंथी रात दिन, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, और हम अपनी दिवाली या होली हम बनाते हैं तो हमें तंग किया जाता है, वहाँ बनने नहीं देता, हमें सिंदूर लगा के रास्ते में जाने नहीं देते। और बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे हमारी बच्चियाँ 11 साल 10 साल की हो जाती हैं, उनको उठा के ले जाते हैं वो लोग, और वो जबरन उन पे घन पॉइंट पे ये कहा जाता है कि अगर आप अपना धर्म कबूल नहीं करोगी, मुसलमान नहीं बनोगी, तो आपके माँ बाप भाई बहन को मार दिया जाएगा। 100 में से 3% हमारी वहाँ पे रिपोर्टें आती हैं जो अदालत में फैसले पड़ते हैं, 97% जो हमारे वारदात होती है उनका तो ऊपर जाते नहीं, वहीं दबा देते हैं वो लोग। 3% हम जब अदालतों में ले जाते हैं उस मामले को, तो वहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलता।